तो गाइज ये है मेरे पास आज बोट का एयरडॉप्स 138 मॉडल, और आज हम इसका रीसेट करने वाले हैं, यानी कि इस एयरडॉप्स को हम आज फैक्ट्री रीसेट करेंगे। तो गाइज आप सबको ये जो फैक्ट्री रीसेट है वो कब करना है मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप सबके एयरडॉप्स में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो सबसे पहले आप सबने अपने एयरडॉप्स को रीसेट करके देखना है, उसके बाद आपका जो एयरडॉप्स में जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो गाइस वो रीसेट करने का जो मेथड है मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो गाइस सबसे पहले आपको करना है कि अपने एयरडॉप्स को विद चार्जिंग केस में से चार्ज करके बाहर निकाल लेना है। अभी आप सब देख लो कि आपके सामने जो एयरडॉप्स है वो चार्ज्ड है और दोनों ऑन है। तो आपने करना क्या, सिंपली ये जो हमारा बटन है दोस्तों, इस बटन से हम इसका रीसेट करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या, सिंपली सबसे पहले इस दोनों एयरडॉप्स को अपने दोनों हाथ में रखना है, जैसे कि मैं रख लिया, और इसके बाद इस दोनों बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है, और जब तक रखना है जब तक ये एयरडॉप्स ऑफ ना हो जाए। तो कुछ सेकंड तक आपने प्रेस करके रखना है और देखना, ये दोस्तों ये जो हमारा एयरडॉप्स है वो ऑफ हो गया। ऑफ होने के बाद आपका हाथ अपने एयरडॉप्स से हटा लेना है और फिर से एक दो सेकंड वेट करना है। उसके बाद इस दोनों बटन को फिर से लॉन्ग प्रेस करके रखना है जब तक कि ये एयरडॉप्स ऑन होके फिर से ऑफ ना हो जाए। तो गाइस जैसे मैं अब कर रहा हूँ, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ये ऑन हुआ और पेयरिंग मोड पे आके ये फिर से ऑफ हो जाएगा। तो जैसे ही ऑफ होगा हम इसको हाथ हटा देंगे। तो गाइस अब ये हमारा जो रीसेट है वो डन हो चुका है, और अब आपने करना क्या, सिंपली इसको कुछ नहीं करना है, बस आपने इसको अपने चार्जिंग केस में रखना है। तो ये देखिए मैं ये मेरा चार्जिंग केस है और इसमें अब मैं रख देता हूँ, तो दोनों एयरडॉप्स को हम इसमें रख देंगे और उसके बाद हम फिर से एक या दो सेकंड वेट करेंगे, और उसके बाद हम इसको चार्जिंग केस में से बाहर निकाल लेंगे। और उसके बाद आप देखोगे कि बाहर निकालते ही जो हमारा एयरडॉप्स है पूरा रीसेट हो चुका है, फैक्ट्री रीसेट हो चुका है, और ये अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा। जिसका भी आप सब में इसमें कोई प्रॉब्लम होगा सॉल्व हो चुका होगा। ये देखिए अभी जो हमारा एयरडॉप्स है वो पेयरिंग मोड पर आ चुका है और ये 100% वर्किंग कंडीशन में है, और इसमें से जितने भी प्रॉब्लम होंगे वो सॉल्व हो चुका है। तो गाइज आप सबको अगर इससे रिलेटेड कुछ और भी पूछना है तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और आप सबको मैं बता दूं कि आपको रीसेट कब करना चाहिए, कुछ सैंपल है, जैसे कि कई बार क्या होता है कि आपका जो एयरडॉप्स है वो आपस में कनेक्ट नहीं होता, तो आप उसको रीसेट कर सकते हो। और अगर आपका एयरडॉप्स में अगर इससे रिलेटेड और भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि एक में साउंड आ रहा है एक में नहीं आ रहा है, तो भी आप इसको रीसेट करके अपना जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हो। तो गाइस आप सबको सिर्फ ये देखना है कि आपका जो एयरडॉप्स है वो चार्ज होना चाहिए, उसके बाद जो ये रीसेट आप कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, अगर आप सब हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना।